इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वह दांडी बस ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अकलमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वो तो हैं ही। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वो तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हां कहेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिनी के साथ भी कूदती हुई आई, या बिनी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिनी है, जिसका दूध आप रोज पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, धनी जी ने हाथ लाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिनी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, गांधी धनी बोला।
आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर ये समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिनी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो है, बिनी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिनी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिनी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिनी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो ये पाठ जो है वो सुभद्रा सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, या ये पूरा जो वाक्य है ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है, और इसका अनुवाद किया है श्रीमती मनीषा चौधरी जी ने। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ का आदर्श वाचन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि इस चैनल पर नए हैं, और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बना के दूं। तो अगली बार के लिए जय हिंद जय भारत।